सो गाइस एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जैसी मूवीज में हंसाने और रुलाने के बाद मार्वल स्टूडियोज फिर से अपनी कमर कस चुका है हम फैंस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फैन बनाए रखने के लिए। भले ही मार्वल स्टूडियोज साल भर तक कोई मूवी रिलीज ना कर रहा हो पर 2019 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने फैंस को कुछ ऐसी वजह दी है जो फैंस को साल भर तक इंतजार करने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाते हैं मार्वल स्टूडियोज के आने वाले सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसे मार्वल ने 2019 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हॉल एच पैनल के दौरान रिवील किए। हे दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 के पूरे टाइमलाइन के बारे में। फेज 4 में इस बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इतिहास में पहली बार डिज्नी प्लस के सब्सक्रिप्शन सर्विस पर आने वाले टीवी सीरीज को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन टाइमलाइन में इंक्लूड किया जाएगा। तो डिज्नी प्लस पे आने वाली सारे की सारी सीरीज भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन और फैंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द ब्लैक विडो मूवी की। 2010 में ब्लैक विडो के पहली बार दिखने के बाद एंड गेम में थैनोस को हराने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद और दुनिया भर से कई सारे फैंस के रिक्वेस्ट के बाद मार्वल स्टूडियोज फाइनली ब्लैक विडो की अपनी मूवी लेकर आ रहा है जिसे मार्वल स्टूडियो से उम्मीद लगाई जा रही है कि वो इसे 1 मई 2020 तक रिलीज कर सकता है। ये मूवी मार्वल स्टूडियोज की पहली आर रेटेड मूवी होने वाली है। मार्वल स्टूडियोज के कॉमिक कॉन के हॉलेज पैनल के दौरान ब्लैक विडो मूवी की पहली फुटेज भी दिखाई जा चुकी है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रही है केट शॉर्टलैंड जिसमें हमें स्कारलेट जोहानसन एज ब्लैक विडो के साथ साथ फ्लोरेंस पग, स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज में जिम हॉपर का रोल निभाने वाले डेविड हार्बर, रेचल वॉइज, ओटी फैक बैनले और रे विंस्टोन दिखेंगे जिसमें फ्लोरेंस पग येलेना बेलोवा का रोल प्ले करेंगी जो कि कॉमिक्स में ब्लैक विडो की सक्सेसर बनती है। तो हो सकता है फ्लोरेंस पग आगे जाके ब्लैक विडो का रोल निभाए। इसके अलावा डेविड हार्बर रोल प्ले करने वाले हैं रेड गार्डियन का जो कि कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका का एक रशियन वर्जन है जो कि कैप्टन अमेरिका की तरह ही सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। इसके अलावा कॉमिक्स में रेड गार्डियन ऑल्सो नोन एज एलेक्सी लेबेदेव ब्लैक विडो का हस्बैंड होता है। तो अब देखना यह है कि ब्लैक विडो मूवी में रेड गार्डियन के साथ ब्लैक विडो का क्या रिश्ता है। इसके अलावा और किसी भी कास्ट के रोल के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। इस मूवी की टाइमलाइन की सेटिंग की गई है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के जस्ट बाद और इस मूवी में टास्क मास्टर मेन विलन बनने वाला है जिसे कौन प्ले कर रहा है इस बात की कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। मार्वल का अगला प्रोजेक्ट है डिज्नी प्लस की सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो कि साल 2020 के अंत के पहले डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस पर प्रीमियर होगी। अभी ऑफिशियल प्लॉट के बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है पर माना यही जा रहा है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद हमें एंथनी मैकी का सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका का मेंटल संभालते हुए दिखेगा। साथ ही साथ हमें सेबेस्टियन स्टैन का बकी बांस ऑल्सो नोन एज विंटर सोल्जर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा डैनियल ब्रुल का जीमो भी इस सीरीज के विलन के रूप में वापसी कर रहा है और इस बात की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो अपने कॉमिक बुक के आउटफिट में भी दिखेगा। रिसेंटली इस सीरीज को जॉन विक के क्रिएटर डेरेक कॉल्सार्ड भी राइटिंग टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो बिल्कुल आप इस सीरीज से काफी ज्यादा एक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं। इस लिमिटेड सीरीज की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इस साल के अक्टूबर से। अब चलिए बात करते हैं द इटर्नल्स मूवी के बारे में। क्लोई जाओ द्वारा डायरेक्टेड इटर्नल्स मूवी रिलीज होगी 6 नवंबर 2020 में जिसमें रिचर्ड मैडन इक्रिस का रोल प्ले करेंगे और साथ ही साथ एंजेलिना जोली थैना का रोल प्ले करेंगी। इसके अलावा कुमैल निंजियानी प्ले करेंगे किंगो का रोल, डॉन ली प्ले करेंगे गिलगमिश का रोल, सलमा हायक प्ले करेंगे एजैक का रोल, ब्रायन टायरी हेनरी प्ले करेंगे फेटोस का रोल, लॉरेन रिडलॉफ प्ले करेंगी मैककारी का रोल और लिया मैक्यू प्ले करेंगी स्प्राइट का रोल। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मूवी में ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा जो इटर्नल्स की ओरिजिन से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। और अगर आप इटर्नल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने इटर्नल्स की कॉमिक बुक ओरिजिन वीडियो बनाई हुई है, आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं शैंग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी की जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पहला एशियन सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करेगी। शैंग-ची मूवी कहानी होने वाली है मास्टर ऑफ कुंग फू शैंग-ची की जो पहली बार हमें दिखा था मार्वल स्पेशल एडिशन इशू नंबर 15 में जो पब्लिश हुई थी 1973 में। इस मूवी में हमें असली मैंडरिन भी दिखने वाला है जिसे पहली बार मार्वल के ऑल हेल द किंग के वन शॉट में टीज किया गया था और इस बार वो अपने 10 पावर रिंग्स के साथ भी दिखेगा जो उसे कॉमिक्स में अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज देती है। और इस मूवी में फाइनली हमें द मैंडरिन एज अ मेन विलन देखने को मिलेगा। अगर बात करें कास्ट की तो मैंडरिन का रोल प्ले करने वाले हैं टोनी लियंग और शैंग-ची का रोल प्ले करेंगे सिमी लियो और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डेस्टिन डैनियल क्रेटोन। इस मूवी को 12 फरवरी 2021 को रिलीज किए जाने की उम्मीद है।
अब चलिए बात करते हैं वांडा विजन की लिमिटेड सीरीज के बारे में, जो कि डिज्नी प्लस पे 2021 के स्प्रिंग में प्रीमियर होगी। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सीरीज की प्लॉट एंड गेम के बाद से शुरू होगी, जिसमें एंड गेम के बाद क्या क्या हुआ इस सीरीज में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ विजन को किस प्रकार से वापस लेकर आया जाएगा ये भी दिखाया जाएगा, और उम्मीद है कि शूरी, ब्रूस बैनर और डॉक्टर हैंक पिम मिलकर विजन को वापस लाएंगे। इस सीरीज में हमें कैप्टन मार्वल में दिखी मारिया रेम्ब्यू की बेटी मोनिका रेम्ब्यू भी दिखेगी, जिसके एडल्ट वर्जन को प्ले करेंगी टियोना पेरिस। इसके अलावा इस सीरीज की कहानी सीधे जाकर जुड़ेगी डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल मूवी से, तो मार्वल फैंस के लिए ये सीरीज काफी ज्यादा अहम होने वाली है। अब चलिए बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स के बारे में। सो गाइज, ये बात तो कंफर्म है कि जितना भी मिस्टिकल साइड हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में दिखा है, उससे कहीं ज्यादा इस मूवी में दिखने वाला है। जैसा कि टाइटल से ही कंफर्म हो रहा है, इस मूवी में मल्टीवर्स काफी अहम रोल निभाने वाला है, और अब तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी नहीं है, तो ये चीज देखना बहुत ही ज्यादा औसम होगा कि वो कैसे फिर से एक टाइम स्टोन को एक्वायर करेंगे और अर्थ की रियलिटी को वो कैसे सेव करेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ही इस मूवी को फिर से डायरेक्ट कर रहे हैं, और उनके हिसाब से ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली स्कैरी यानी हॉरर मूवी होने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा था कि वांडा विजन सीरीज इस मूवी से कनेक्टेड होगी, इस मूवी में हमें एलिजाबेथ ओल्सन की कैरेक्टर स्कारलेट विच भी डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ निभाते हुए दिखेगी। ये मूवी 7 मई 2021 तक रिलीज होगी। अब चलिए बात करते हैं डिज्नी प्लस पे एयर होने वाली लोकी की सीरीज की, जो कि डिज्नी प्लस पे प्रीमियर होगी 2021 के स्प्रिंग में। जैसा कि हम सबने देखा एवेंजर्स एंड गेम में कि लोकी टेसरेक्ट को लेकर भाग जाता है और वो एक नए टाइमलाइन को बनाने का जिम्मेदार बनता है, तो इसी बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि वो नया टाइमलाइन इसी सीरीज में दिखाया जाएगा। इसके अलावा वो ह्यूमन हिस्ट्री में किस तरह से ट्रिक्स्टर और शेप शिफ्टर के रूप में अपीयर होता है ये भी दिखाया जाएगा। इस सीरीज को लिख रहा है माइकल वॉल्ड्रॉन, जो इससे पहले रिक एंड मॉर्टी सीजन 4 भी लिख चुके हैं, जो कि एक काफी सक्सेसफुल कार्टून टीवी शो है। क्या पता इस सीरीज का प्लॉट लोकी को एमसीयू के मेन रियलिटी के अंदर ला दे। अब अगला आता है डिज्नी प्लस का व्हाट इफ सीरीज, जो कि समर 2021 में डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगा। ये बेसिकली एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है, जो कि बेस्ड है मार्वल के व्हाट इफ कॉमिक सेक्शन पे, जिसमें अल्टरनेट रियलिटी और पॉसिबिलिटीज को इमेजिन किया जाता है। जैसे कि क्या होता अगर पेगी कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता या फ्लैश थॉम्पसन स्पाइडरमैन बन जाता। इस सीरीज में वॉचर का एक बहुत ही अहम किरदार होने वाला है, जो कि अलग अलग रियलिटीज के पार देख सकता है। द वॉचर को वॉइस देंगे जेफरी राइट, और साथ ही साथ एमसीयू के कई एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को इस एनिमेटेड सीरीज में वॉइस देंगे। अब चलिए बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज के हॉकआई सीरीज के बारे में, जो प्रीमियर होगी डिज्नी प्लस पे 2021 के अंत तक। हॉकआई इसमें हमें मेंटर के रूप में दिखने वाला है केट बिशप का, जिसके लिए कोई नया कास्ट लिया जा सकता है, या फिर एमसीयू में हॉकआई की बेटी लीला बार्टन, जिसका रोल प्ले किया है एवा रूसो ने, वो केट बिशप का मेंटल संभाल सकती है। साथ ही साथ सीरीज के लोगों से इस बात का कंफर्मेशन हो रहा है कि ये सीरीज हो सकता है मैट फ्रैक्शन के हॉकआई रन पर बेस्ड हो, जो कि पब्लिश हुई थी 2012 से 2015 तक, और उस कहानी में भी हॉकआई केट बिशप को ट्रेन करता है। अभी जेरेमी रेनर एज हॉकआई के अलावा और भी किसी भी कास्टिंग की कंफर्मेशन नहीं की गई है। अब बात करते हैं थॉर लव एंड द थंडर की। इस मूवी का 5 नवंबर 2021 को रिलीज होना एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली अगर आप मार्वल से अपडेटेड रहते हैं तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि टाइका वाइटिटी थॉर की अगली मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। इसके चक्कर में उन्होंने अकीरा एनिमे सीरीज की लाइव एक्शन मूवी को भी सबसाइड कर दिया है, जिसके कारण हमें 5 नवंबर 2021 तक ये मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी का प्लॉट तो अभी क्लियर नहीं है, पर इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये मूवी एंड गेम के बाद की थॉर की आगे की कहानी होगी, जिसमें टेसा थॉम्पसन और क्रिस हेम्सवर्थ फिर से अपने रोल को निभाएंगे। और इस बात की भी कंफर्मेशन हो गई है कि टेसा थॉम्पसन की कैरेक्टर वेलकरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पहली LGBTQ सुपर हीरो होगी। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि नए थॉर के रूप में हमें नेटली पोर्टमैन की कैरेक्टर जेन फॉस्टर दिखेगी। ये 2014 के बाद नेटली पोर्टमैन का एज जेन फॉस्टर के रूप में एमसीयू में कमबैक होगा। कॉमिक्स में ओरिजिनल सीन स्टोरीलाइन के बाद थॉर अनवर्दी हो जाता है और जेन फॉस्टर थॉर के मेंटल को संभालती है। अब देखना ये है कि मूवी का प्लॉट कॉमिक के प्लॉट से कितना इंस्पायर है। ऐसा भी कई हिसाब से पॉसिबल है कि हो सकता है ये ओरिजिनल थॉर का एक फेयरवेल मूवी हो। वेल, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं मार्वल के कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं दी गई, पर उन प्रोजेक्ट्स की कंफर्मेशन दी गई है कि वो होने वाले हैं। मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइगी ने इवेंट को रैप अप करने के दौरान गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की कंफर्मेशन दी है कि वो हो रहा है। इसके अलावा कैप्टन मार्वल 2 पर भी मार्वल स्टूडियोज काम करने वाला है, और साथ ही साथ आगे जाकर हमें ब्लैक पैंथर 2 भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने फैंस को अश्योर किया
कि मार्वल स्टूडियोज फैंटास्टिक फोर और एक्समैन मूवी पर भी काम कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेंट के अंदर इस बात को कंफर्म किया गया कि मार्शल अली आगे जाके एमसीयू के अंदर ब्लेड का रोल निभाने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज, ये थी मार्वल स्टूडियोज के 2019 के कॉमिक कॉन हॉल एच पैनल की पूरी अपडेट। होप सो आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 के सारे डिटेल से अपडेट हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि आप मार्वल फेज 4 के किस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं पर्सनली व्हाट इफ सीरीज और लोकी सीरीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज, ऐसे ही ऑसम वीडियोज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और डिटेल्स पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक कर दीजिए, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। नाउ ऑल बीइंग सेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।